दिल से बस कर दे, कितना मांगेगा तू, उसको बस कर दे यार। तू तो मुझसे बात ही मत कर। क्यों? गली के लड़के से हार जाता है, अपनी इज्जत का ना से मेरी इज्जत को तो ख्याल रख। यकीन नहीं आता आर आर ए का बेस्टी एक गली छाप से हार जाता है। मैं जानी जानबूझ कर थोड़ी हारा था यार, हाँ थोड़ा सा शोधा हो गया था मैं, इसलिए पकड़ा गया उसके हाथों। और वो भी कोई इतना बुरा फाइटर नहीं है, खुले सांड की तरह तो लड़ता है। हाँ, इस खुले सांड को ना नेक्स्ट वीक बुच्चर ही लेकर जाएंगे, और वो भी चार कंधों पे। रिलैक्स कर ब्रो, हिसाब बराबर करेंगे उसके साथ। मैं चाहता हूँ कि कैलेंडर में से ही बीच के डे सारे निकालते और आज शाम मेरी फाइट हो उसके साथ। जब तक मैं उसकी एक एक हड्डी ना तोड़ दूँ ना, मुझे सुकून नहीं आएगा। सुकून तो जानी मुझे भी नहीं आएगा जब तक उसकी हड्डियाँ नहीं टूट जाती। खैर छोड़ इन बातों को ब्रो, तुझे पता है मैं भी आया क्यों? सर हारिस ने मुझे भेजा है। पूछ क्यों? कल्चरल फेस्टिवल की तैयारियाँ चल रही हैं। अब तू सिर्फ ये सोच कि तू पहन क्या रहा है। क्या? तेरे लिए भी हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, और तेरे लिए एक रवायती मशरकी देसी सी लुक बनानी। आ जा शॉपिंग करें। यार ये सर हारिस हमें देसी नमूने बनाने पर क्यों तुले रहते हैं हमेशा? कुछ आइडिया है कि ये मशरकी लिबास कहाँ से मिलते हैं? हाँ, अंदरून लाहौर जाना पड़ेगा ब्रो। चल चल। तुम्हारी गली में क्या कर रहे मियां? तुम्हारी दुकान खुली पड़ी है, जाओ जाके बिक्री बिक्री करो। इस तरह घूम फिर के ना अपना वक्त नहीं जाया करो, जाओ चलो। कौन हो आप? मैं तुम्हें अच्छी तरह बता चुका हूं मैं कौन हूं, और अगर नहीं जानते तो दोबारा बता दे। तो अशरफ नाम है मेरा, अशरफ चाय वाला। सुन लिए? चलो निकलो अब। जो मेरी आंखों ने देखा है वो कोई चाय वाला नहीं हो सकता। बताते क्यों नहीं कौन हो आप? बड़ा ढीठ है तू, जानना चाहता है? शहर का रंग रूप चढ़ने लगा है आपे चौधरी साहब। मैंने नोट किया है गांव से शहर आकर आपने पगड़ी पहनना छोड़ दी है। वहां तो पगड़ी हम इसलिए पहनते थे कि वहां सिर्फ हम अकेले चौधरी थे, और यहां यार शेर पर सवा शेर है,
वो अगर यहाँ लोग पगड़ी पहनना शुरू कर दें तो सर कम और पगड़ियाँ ज्यादा नजर आएंगी। पगड़ी तो गांव में हाकिम पहलवान भी पहनता था। सिर्फ एक दिन के लिए, मेले में, अखाड़े में, कुश्ती कबड्डी में लोग सीनियर पहलवान के तौर पर उसे पहना देते थे। वो भी अब नहीं पहनता होगा। आपने तो उसका गरूर ही छीन लिया चौधरी साहब। एक दो बार देखा है मैंने सुल्तान को, सोना जवान था। अन्ना तुमने कोई कसम खाई है? मैं जब भी घर से बाहर निकलूंगा तुम मेरा मूड खराब करके मुझे रुखसत करोगी। अच्छा खैर से आप अपना मूड ना खराब करें। अगर आपका शाहनवाज भाई की तरफ चक्कर लगे तो उनसे रिश्ते की बात चलाएं, रुस्तम और सितारा के। अच्छा याद दिलाया मुझे, जा तो मैं उसी तरफ रहा हूं, करता हूं बात उससे। अशरफ चाय वाले को तो जानते हो, बाहर बाजार में चाय का स्टॉल लगाकर हजारों लोगों को रोज चाय पिलाकर चार पैसे कमाने वाला अशरफ चाय वाला। लेकिन अशरफ खान को नहीं जानते। अशरफ खान नेशनल लेवल मार्शल आर्ट्स चैंपियन। अशरफ खान, ये खबर अखबारों के फ्रंट पेज पर छपी थी। इंडिया से आया था फाइटर पाकिस्तान, उसके दांत तोड़ दिए थे मैंने। और मेडल मुझे सदर पाकिस्तान ने अपने हाथों से बनाया था। पता है जब मैं शहर वापस आया ना तो मेरी गली में इतना रश लगा हुआ था, दिल धरने को जगह नहीं थी। भाटी चौक से लेकर मेरे घर तक मुझे कंधों पर उठा के लाए थे। इतना सब कुछ होने के बाद एक गुमनामी की जिंदगी के चाय का स्टॉल, ऐसा क्या हुआ था? होना क्या था? वक्त गुजर गया। हम जैसे लोगों के साथ यही होता है, हम रह जाते हैं पर हमारा वक्त गुजर जाता है। खैर ये बताओ तो मुझसे क्या चाहते हो? मैं खेल सीखना चाहता हूं, अपने लिए उस्ताद ढूंढ रहा था मैं। इस खेल का गुरु तो मेरे सामने ही है, सिखाओगे ना आप ही खेल मुझे? मेरी सारी बातें सुनकर भी तुम्हें अकल नहीं आई, देखो दिलशेर
गुजरा हुआ वक्त हो, मुझसे कुछ सीखो, अपना नजरिया और अपना रास्ता बदल लो, वरना कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूं बॉडी शॉडी बनाओ, पैसे कमाओ, सूट पहनो, किसी अच्छी सी बड़ी सी गाड़ी से उतरो, हीरो लगोगे एकदम हीरो। नजरिया बदल भी लूं, रास्ता नहीं बदल सकता मैं। सैकड़ों लोगों को जबान देख के आया हूं, ये खेल मैं जीतूंगा। ये जंग चुनी नहीं है मैंने, मुसल्लत की गई है मुझ पे। अगर आप ये खेल मुझे सिखाओगे तो इसका मुआवजा दूंगा मैं आपको। छोड़ो आप ये चाय वाय का कारोबार, आपके पास जो ओनर है वो बेचो, बहुत पैसे कमाओगे। को आग में क्यों धकेलना चाहते हो? बबरा क्यों जलता है अशरफ भाई? अच्छा, मोहब्बत कर बैठे हो, समझ आ गया। ओ दिलबर भाई। हाँ भाई, क्या खबर लाया? वो लड़का जिसने आपको पीटा था, उसका याद कराना जरूरी होता है? दिलशेर नाम है उसका। हाँ हाँ, वही दिलशेर। वो इस वक्त चाय वाले चाचा की दुकान में बैठा हुआ है। वो वहां है तो उसका बाप दुकान पर होगा, और अमूमन उसकी बहन इस वक्त यूनिवर्सिटी होती है। इसका मतलब रास्ता साफ है दिलबर भाई। अच्छा जी, हाँ जी, चल तो जाने के बाद चला जा क्लब में, मैं उसे कह देता हूँ फ्री में खेली आज मेरी तरफ से। सच्ची दिल भाई? अरे हाँ यार, यार कल जा, शाबाश। वैसे अब्बा जी, आप बिला वजह ही बदगुमान हो रहे थे दिलशेर से। अब सुबह से दुकान पर जमा बैठे हैं, मजाले जो इधर उधर खिसकाओ। मैं उसका बाप हूँ रेशमा, हर बात समझता हूँ। ना तो उसका एक्सीडेंट हुआ है, ना ही उसकी चोटें एक्सीडेंट वाली हैं। यकीनन किसी से लड़ाई झगड़ा किया है उसने। अब किससे लड़ाई की है ये नहीं पता, बहरहाल पता चल ही जाएगा। ऐसी बातें आखिर कब तक छुपी रहती हैं? क्या ये देख क्या लिखा है इस पे, किसका खत है? कुछ कुछ नहीं लिखा अब्बा जी, किसी बच्चे का पेपर है, मार्क्स कम आए होंगे तो फेंक गया होगा। दिलशेर जैसा ही होगा।
मैं आपके लिए शरबत बनाकर लाती हूँ। अरे ऐसे क्या मुसीबत हो गई? मैं घबराई भी क्यों और ये क्या चला रही हो? वो समझो कि कोई मुसीबत थी, टल गई। मुसीबत? कैसी मुसीबत? लव लेटर था वो भी तुम्हारे नाम का। मेरे नाम का? हाँ, ये उस छत वाले कमीने ने ही फेंका और वो भी अब्बा के ऐन कदमों के नीचे। वो तो शुक्र है अब्बा को पढ़ना नहीं आता और दिल शेर के हाथ नहीं लग गया, वरना तो बैठे बिठाए क्यामत ही आ जाती। कमीना घटिया इंसान, इतनी मार खाई फिर भी नहीं सुधर। चावल मैं चुन देती हूँ, जला दिए मैंने, परेशान ना हो। लव लेटर था वो भी तुम्हारे नाम का, ये उस छत वाले कमीने ने ही फेंका और वो भी अब्बा के ऐन कदमों के नीचे। वो तो शुक्र है अब्बा को पढ़ना नहीं आता और दिल शेर के हाथ नहीं लग गया, वरना तो बैठे बिठाए क्यामत ही आ जाती। उस कभी की सदी तक राजा के पीछे पड़ा, हो सकता है कल रात दिल शेर का झगड़ा उसी से हुआ। उस पे शंकर रोकेंगे तो दखल की सती खराब होगी। मुझे हाजिर के बारे में कोई फैसला करना। अरे अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम जी। अंकल कोई प्यारे से खुशे दिखा दें प्लीज। देखो जी बिस्मिल्लाह, देखो सारे खुशे ही हैं जी, इधर भी हैं इधर भी हैं। पैसों पे नहीं माने आप, मोहब्बत पे मान गए। मतलब मोहब्बत से आपका भी कहीं ना कहीं वास्ता पड़ा ही है। ये जो मोहब्बत होती है ना दिलशेर, ये कायनात की रूह होती है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी का वास्ता इस मोहब्बत से जरूर पड़ा होता है। बस फिर मुझे ऐसा ट्रेन कर दें कि मैं अपनी मोहब्बत जीत सकूं। तुम्हें फौलाद का बना दूंगा, ये मेरा वादा है। रिंग में कोई भी फाइट नहीं हारोगे तुम। हाँ अलबत्ता मोहब्बत के जंग में हार जाओ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, क्योंकि मैंने बड़े बड़े पहलवानों को मोहब्बत की जंग में हारते हुए देखा है। पर वो कहते हैं ना, मोहब्बत में मात मात नहीं होती बल्कि जीत ही होती है। देवदास ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, अभी तुम्हारे अब्बा आ गए होंगे, ढूंढ रहे होंगे तुम, जाके उनका हाथ बटाओ। मैं जब तक अपने पुराने ठिकाने का ताला खोलता सब हो जाएगा मेरे चीते। लो आ गया मेरा मुंडा। चलो दिलशेर जरा खुशे चेक करा साहब। आओ बेटा खुशा पहनाओ। हेलो हीरो, अंकल की बात नहीं सुनी क्या? खुशा चेक करा, आप बैठे जी। जी जी आप बैठे। दिलशेर वो क्या सोच रहा है? वो खुशे चेक करा साहबों को, चेक करा। मैं जरा एक जरूरी काम जा रहा हूं, अभी आता हूं, डील कर इनसे। ओ हीरो क्या खड़ा देख रहा है? नीचे बैठ, पकड़ मेरा पांव, पहना खुशा। सुना नहीं तेरे बाप ने क्या कहा? शाबाश यार, सही कह रहा, सही कह रहा। देखा भाभी, कुछ लोग होते हैं ना, जगह उनकी कदमों पर है लेकिन चाहते सितारों की।
पैक कर दो। तुझे तो मैं इतना मारूंगा ना, इस जूते की कमाई से तेरे जख्म ठीक नहीं होंगे। पैक कर ले ले बाप, चलते हैं, अच्छी दुकान है तुम्हारी। मैं भी ले लूं एक। चल छोड़, किसी और टाइम। हेलो, कहाँ सुबह से तुम लोग, और ये हंसी किस बात की निकल रही है? किसी न्यू स्टूडेंट की रैगिंग तो नहीं की फिर से? तुम लोग रहने दो भाई, अगर मैं तुम्हें बताया ना तो कहीं मैडम को बुरा ना फील हो जाए। मुझे क्यों बुरा लगेगा, जिसकी मर्जी रैगिंग करो। असल में आज हम शॉपिंग करने गए थे, ये देखो। दिखाओ। नाइस। ये क्या कल्चर फेस्टिवल के लिए? यप। मुझे भी ले चल दे साथ। बस ये क्यों नहीं सोचा सर हमने, मैडम को तो लेके जा सकते थे। आइडिया नहीं था ना कि वहां इतने बड़े अजीम शख्स के दर्शन हो जाएंगे, वरना सितारा का तो जरूर लेके जाते। सही कह रहे। क्या मतलब, ये क्या स्टोरी है जो मुझे नहीं पता? बताए सर। अरे क्या बताऊं यार, तुम्हें पता है ये हम किस दुकान से लेकर आए? दिलशेर की, पहलवान खुस्सा हाउस। क्या बताऊं यार, जब उस जमीन पे बैठ के खुस्से पहनाता है ना, इतना कोई प्यारा लगता है ये आदमी। बता बाब। हाँ, जब हम एंटर हुए तो उसने अपनी वो टिपिकल स्टाइल से हमें देख रहा था। ये भी ली थी ना, ये भी ली थी। क्यों मार रहे भाई, उसके अब्बू भी वहां पर खड़े हुए थे। उसको बेचारे को बुला के कहते हैं कि उसको जूते पहनाओ। यार ऐसे बेचारा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कल भी यही हुआ था। अब्बा जी सो चुके थे, अब तो दोपहर में ही दुकान से घर चले आते। सोए नहीं अब्बा जी, बेचैन है किसी बात से। मुझे लगता है अंदर ही अंदर ना उन्हें कोई बात परेशान कर रही है। कहीं अब्बा जी को खत वाली बात का पता तो नहीं चल गया? अरे नहीं भाई, खत तो मैं तुम्हारे सामने खुद आग में डाला था। मुझे लगता है वो दिलशेर की किसी बात से परेशान है। अभी दुकान गए थे तो वहां कोई बात सुन ली होगी, वहां कर लेट गए। देखो ये तो ज्यादती है ना, अब्बा जी अपनी परेशानी खुद बढ़ा रहे। दिलशेर जवान है, जवानी में लड़के बहुत कुछ कर जाते हैं। अब्बा जी को इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर सुल्तान भाई जिंदा होते ना, अम्मा भी घर पर होती, तो दिलशेर कुछ भी करता ना, फिक्र नहीं होती। अम्मा और सुल्तान भाई का बिछड़ना ना,
अब्बा जी को एहसास कर गए, वरना कहाँ कोई पहलवान आदमी इतनी छोटी छोटी बातों की फिक्र करता है। तुझे खाना खाना है? नहीं, मेरा दिल नहीं है। ये हाजरा की जिंदगी का बहुत अहम फैसला है। मेरा यह हक नहीं बनता कि मैं इतना बड़ा फैसला खुद करूं। सुगरा होती तो मशवरा करता उससे, पर तकदीर ने मुझसे मेरे दुख सुख के दोनों साथी सुगरा और सुल्तान एक ही वक्त में छीन लिए। मुझे बुशरा से बात करनी चाहिए। बुशरा जरा की माँ है, समझदार भी है, सो किसी भी फैसले में उसका होना बहुत जरूरी है। रुस्तम बेटा, तुम आज हमसे मिले बगैर, हमारे पास बैठे बगैर चले गए। तुम्हारे इस रवैये ने हमें बहुत मायूस किया। सॉरी मॉम, मैं उस वक्त अपसेट था। तुम्हारे इस कदर अपसेट होने की वजह कहीं सितारा तो नहीं है? तुम्हारा उससे कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं, दोस्तों में ऐसी बात हो गई थी। वैसे मैंने चौधरी साहब से तुम्हारे और सितारा के रिश्ते की बात की है। डैड मान गए? नहीं, कह रहे थे कि वो कुछ दिनों में शाहनवाज भाई से बात करेंगे। वो तो ठीक है मॉम, लेकिन मैं आपको बताया था ना, सितारा के डैड ये फाइट्स वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। शाहनवाज अंकल को एतराज हो सकता है। तुम अभी इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। पहले शाहनवाज भाई अमादगी जाहिर करते तो बाकी बातें बाद में देखेंगे। बंदा बन जा यारा, देखे मुझे मेरा बाप बोले, आजा तू अखाड़े आके छाती डोले नाप तोले। क्यों ये मेरा बार तोले, क्यों ना मेरे बार तोले, क्यों ये बेहिसाब बोले मेरे अंदर झांक तोले। हाथों में तराजू ले फिर ये साफ बोले, जल गया तो जल गया, जो मिट गया तो खाक बोले। बन जा बंदा सारे मेनू आग तेरे, दसो मेनू दसा की वे ओंदे नी जवाब देने। बन जा बंदा सारे मेनू आग तेरे, दसो मेनू दसा की वे ओंदे नी जवाब देने। शेर आशिक मिजाज जरूर है, पर अपनी रीति रिवाज से बखूबी वाकिफ है। न्या लड़का है, अंदरून में रहता है, लेकिन घाटे का सौदा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन प्रोफेशनल नहीं है। इस फाइट से सिर्फ इसका गुस्सा और पागलपन नजर आ रहा है। खोटे खरे की पहचान है मुझे। वैसे भी इसमें सितारा शाहनवाज इन्वॉल्व है। मुझे लगता है कि आगे जाकर ये खेल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसा ना हो कि इसे बनाए हम और फिर ये कल को हमें ही लिफ्ट ना करवाए। फेम गेम है, यहाँ पे बड़े बड़े लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं। छोटे शहर का है, ऐसे छोटे छोटे शहरों के लोग ज़रा ज़रा से एहसानों में उम्र भर कैद रहते हैं। ज़बान से निकली हुई बात की सज़ा हमेशा काटते रहते हैं। आई थिंक वी कैन हैंडल हिम। ठीक है, फिर ले आओ उसको मैदान में। रखो। आपका दिन कैसा गुजरा आज? काफी मसरूफियत रही है। वो नया यूनिट लग रहा है, वहीं चले गए थे, और फिर वो जमीनें हमारी हैं, तो आसपास से कई लोग आ जमा हुए सलाम करने।
ओ शाहनवाज तो हमारे नाम और रुतबे से बड़ा मुतासर हुआ है। वो तो ये तक कह रहा था कि चौधरी साहब वो आपको इस हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहिए। मशवरा तो उनका बहुत अच्छा है, आपको इस पे गौर करना चाहिए। वैसे भी अब तो आपके पास वक्त ही वक्त है सियासत करने का। अभी जमीनों से निकल कर बिजनेस में आ रहे हैं, और थोड़े कदम जम जाने दो, फिर छुएंगे आसमान। आपने बात की शाहनवाज भाई से रिश्ते की? साफ तो नहीं कहा मैंने, हाँ लेकिन बातों बातों में जता जरूर दिया था। शाहनवाज जो है समझदार आदमी है, वो मेरी बात को समझ तो गया होगा। वो चाय ठंडी हो गई होगी, मैं गर्म करके लाती हूँ। जाओ। रुस्तम स्टडीज में कैसा है? उसने कभी तुमसे अपने फ्यूचर के बारे में बात की है? आई मीन पढ़ाई खत्म करने के बाद उसका क्या इरादा है? बिजनेस करेगा या अपने बाप की जमीनें संभालेगा? आई डोंट नो डैड, कभी उसने मुझसे अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस नहीं किए हैं। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? कल रात रियासत ने एक बात की थी, साफ नहीं कहा लेकिन वो तुम्हें अपनी बहू बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ये बात रियासत अंकल ने कही आपसे? तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? रुस्तम तुम्हारे साथ पढ़ता है और तुम उसे अच्छी तरह जानती हो। वैसे भी लास्ट टाइम जब मैंने तुम दोनों को साथ देखा था तो साफ लग रहा था कि तुम दोनों के दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। क्या हुआ, तुम इस प्रपोजल से खुश नहीं हो? आई मीन डैड, सरप्राइजिंगली मुझसे तो इस बारे में उसने कुछ डिस्कस नहीं किया। मुझे तो नहीं बताया कि वो रिश्ता भेज रहा है। It's weird. मुझे बस तुम सिर्फ अपनी मर्जी बताओ, तुम्हें इस प्रपोजल में तो कोई इतराज नहीं है ना? मैं कोई भी फैसला तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं करूंगा। And that's my promise to you. Dad, मैं और रुस्तम बहुत अच्छे दोस्त हैं बस, और वैसे भी मैंने फिलहाल शादी वगैरह के बारे में कुछ सोचा नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम सोचने के लिए वक्त मांग रही हो। That's fair. मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। दिलशेर नजर नहीं आ रहा आज। रोज आता है ना तुम्हारे पीछे, अब नहीं आएगा। असलियत जो खुल गई है उसकी, औकात का पता चल गया उसका। वो कैसे सामना करेगा तुम्हारा, वीकेंड से पहले ही हार गया। तुम क्या रोज यूनिवर्सिटी मुझे और दिलशेर को नोटिस करने आते हो? इतनी इनसिक्योरिटी किस बात की रुस्तम? इनसिक्योरिटी और उस जूता फरोश से। इनसिक्योरिटी नहीं है तो फिर अपने पेरेंट्स को मेरे घर रिश्ता लेके क्यों भेजा है? या फिर तुम खौफजदा हो गए हो कि कहीं दिलशेर तुम्हारी जगह ना ले ले? उस दो टके के इंसान में इतनी औकात नहीं है कि वो मेरा मुकाबला कर सके। रुस्तम, अगर मुकाबला करना है ना तो मर्दों की तरह करो, बातें करके मुकाबला नहीं होता। और ये क्या तुमने कल से रट लगा रखी है, जूता फरोश जूता फरोश? फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कोई भी प्रोफेशन मायूब नहीं होता है।
चैंपियन समझते हो ना खुद को, सोच भी चैंपियन वाली रखो। हेलो, थैंक यू। आ जाओ भाई, आ जाओ, रखो उसमें। कहाँ रह गई हो मैरुनिसा, वो अब आ भी जाओ। जी जी आ गई। बस आपने शाहनवाज भाई को तो फोन कर लिया ना, ऐसा ना हो कि हम वहां जा बैठे और वो किसी जरूरी मीटिंग में बिजी हो। और मैंने बता दिया था शाहनवाज को, अब फोन क्या करना है, घर जा रहे हैं, उसके रिश्ता मांगते हैं सितारा का। मैंने तो अंगूठी भी रख लिया, शाहनवाज भाई ने रजामंदी जाहिर कर दी ना तो मैं ताखीर किए बगैर रुस्तम के नाम की अंगूठी सितारा को पहना दूंगी। ओ अब चलें। बिल्कुल। ये लो। अरे वाह, ओ कितना बेताब है तुम्हारा पुत्र। अरे साहबजादे, थोड़ा सब्र से काम लो हैं, अभी तो हम जा रहे हैं सतारा के घर, खुशखबरी तो वापस आकर ही सुनाएंगे। आप सतारा के घर रिश्ता लेकर नहीं जाएंगे? क्योंकि मैं ग्रीन हूं।